अमृता सिंह ने सैफ अली खान पटौदी के बारे में जब भी बात की, उन्होंने यही बताया है कि उनका तलाक बहुत ही बुरे फेज में आकर हुआ था। अमृता सैफ की जब शादी हुई थी तो अमृता सैफ से 9 साल बड़ी थी। बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुकी थी अमृता सिंह। उनके पास ना फिल्मों की कमी थी ना ऑफर कम थे। सुपरहिट एक्ट्रेस वो पहले से ही थी, क्योंकि 80 के दशक में जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था तो 90s के दौर में आते आते पहले से ही वो बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी थी। और तब सैफ से उनकी शादी हुई और शादी के बाद उन्होंने अपने बच्चों के जन्म के बाद काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया बॉलीवुड में अपनी करियर से। और रॉयल फैमिली, नवाब फैमिली, पटौदी फैमिली का हिस्सा बनने के बाद अमृता जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लेकिन इस दौरान उन्हें नहीं पता था कि सैफ जो उभरते हुए सितारे बॉलीवुड के बनने की स्थिति में थे, उन्हें यहाँ नए नए हसीनाओं से मुलाकात होने पर अपने जज्बातों भावनाओं पर काबू करना पड़ेगा, वरना अमृता को तो इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से सैफ और अमृता के डाइवोर्स की अगलीस्ट ट्रुथ सामने आई थी। और ये सच सामने आया था कि अमृता सिंह को सैफ से तलाक के बाद कई तरह के इल्ज़ाम झेलने पड़े थे। जी हाँ, अमृता ने सैफ और उनकी फैमिली की बहुत ही बुरी इंसल्ट की थी, ऐसा सैफ का कहना था। और सैफ अली खान ने जब ये बताया था तो अमृता काफ़ी दुखी हो गई थी। जी हाँ, उनके सेपरेट होने के बाद अमृता काफ़ी अकेली पड़ गई थी। उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा था, क्योंकि एक एज होने के बाद बॉलीवुड में उनके लिए फिल्में करना आसान नहीं था। यही कारण है कि उन्हें काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था। वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में किस तरह से देखा जाए तो अमृता सिंह ने ये भी जानकारी दी थी कि बुरी स्थिति में उन्हें काफ़ी तकलीफ भरी स्थिति में देखना पड़ा था कि कैसे वो अपने बच्चों को संभालें। इब्राहिम के 18 साल पूरा होने तक इब्राहिम के खर्च के लिए महीने पैसे भेजते थे सैफ अमृता को, और एलिमनी भी अमृता को करोड़ों रुपये मिले थे। लेकिन चकाचौंध की दुनिया में जब उन्होंने नाम खो दिया था और उनका स्टारडम खत्म हो गया था तो उन्हें फिर से बॉलीवुड में लौटने के लिए बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। लीड एक्ट्रेस वो कभी नहीं रही और सैफ के बर्ताव पर भी अमृता ने तब दर्द छलकाया था। जी हाँ, सैफ अली खान के बर्ताव पर अमृता सिंह ने काफ़ी कुछ कहा था। आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर पर कि किस तरह से सैफ और अमृता की ज़िंदगी में काफ़ी दर्द थे, क्योंकि सैफ का नाम किसी और के साथ जुड़ रहा था और अमृता सिंह उनके धोखे की वजह से उन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में रही थी, और उनका यही चीज़ अमृता को सैफ से अलग कर गया था। और वो काफ़ी नफरत करने लगी थी सैफ का किसी और के साथ नाम जुड़ने की खबरों से।